सो दोस्तों, जो पोटेंशियोमीटर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर इनबिल्ट स्विच है। जैसे कि आप लोग स्विच का वायरिंग करते हैं, ठीक उसी तरह से इसकी भी वायरिंग आपको करनी है। सो गाइज, हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब इसे चेक करने के बारे कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर ले लिया, इसे 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर दिया है। अब इस प्रॉप को कनेक्ट कर लोगा हमारे आउटपुट सेक्शन से एंड चेक करेगा कि ये सर्किट हमारा वर्क कर रहा है या फिर नहीं। सो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैंने पोटेंशियोमीटर के अंदर इन बिल्ड स्विच है, अब मैंने इसे ऑन कर दिया एंड एज यू कैन सी कि वोल्टेज शो हो रहा है 1.37 वोल्ट। मैंने अब इसे इंक्रीज कर दिया, 5 वोल्ट तक सेट हो चुका है। 12 वोल्ट तक इसे एडजस्ट कर सकते हैं और आप लोग इनपुट में 3 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक दे सकते हो और आउटपुट में 1.25 वोल्ट से 37 वोल्ट तक आउटपुट इस रेगुलेटर से ले सकते हो, LM317 वोल्टेज रेगुलेटर से ले सकते हो। ये सिंपलेस्ट एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट था। आई होप कि आपको यह सर्किट पसंद आया होगा। अब चलिए मैं 12 वोल्ट का एलईडी भी आपको कनेक्ट करके दिखाता हूं और इसका ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज करके दिखाता हूं। सो एज यू कैन सी कि हम लोग का जो एलईडी का ब्राइटनेस वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। सो हम लोगों का सर्किट एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये सिंपलेस्ट एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह के स्क्रीन पर दो वीडियो आपको और दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करके और वीडियोज को आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।